हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बता दें ये ब्रेकिंग न्यूज आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, रेवाड़ी से ये बड़ी और अहम खबर। रिवॉल्वर के बल पर ठेकेदार से लूट की गई है, लिफ्ट देने के बहाने वारदात को अंजाम दिया गया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से 91,000 रुपए की शॉपिंग करी। ठेकेदार ने गुरुग्राम के लिए कार में लिफ्ट ली थी और कार में चालक सहित 3 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। रिवॉल्वर के बल पर ठेकेदार से लूट की गई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लिफ्ट देने के बहाने इस वारदात को अंजाम दिया गया और क्रेडिट कार्ड से 91,000 रुपए की शॉपिंग की गई है। ये आपको बता दें, ठेकेदार ने गुरुग्राम के लिए कार में लिफ्ट ली, कार में चालक सहित 3 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर रेवाड़ी से आ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र गौड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, रेवाड़ी से ये मामला सामने आ रहा है, ठेकेदार से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, गुरुग्राम के लिए कार में लिफ्ट मांगी थी, क्या कुछ पूरा मामला और पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई करी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते दिन एक बावल का हिम्मत नाम का एक ठेकेदार था जो गुरुग्राम जा रहा था और वो बस के इंतजार में बलीपुर चौक पर हाईवे पर खड़ा हुआ था। तभी एक सफेद रंग की एक कार वहां आकर रुकी और उसने उस हिम्मत सिंह को कार में बैठा लिया। जैसे ही कार आगे नजर निखरी के पास पहुंची तो दो युवक जो पास में बैठे हुए थे उन्होंने रिवॉल्वर लगा दी उसकी कनपट्टी पर और साथ में उसके एटीएम कार्ड तथा कैश कार्ड और 8,000 की नकदी उससे ले ली। उसके बाद युवक उसे लेकर शहर के ब्रास मार्केट लेकर आए, वहां 91,000 रुपए की शॉपिंग उन्होंने कर ली। काफी देर तक कार में घुमा के रहने के बाद देर शाम उसे एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। उसने तुरंत पुलिस को अपनी आपबीती बताई, पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर घेराबंदी भी की, लेकिन जो है नाकाबंदी असफल रही, आरोपी मौके से फरार हो गए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर रेवाड़ी से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कार ने चालक सहित 3 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। रेवाड़ी से यह बड़ी खबर, रिवॉल्वर के बल पर ठेकेदार से लूट की घटना को अंजाम दिया गया और लिफ्ट देने के बहाने वारदात को अंजाम दिया गया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी